वेलकम बैक टू माई चैनल शिवालार्स इंटरटेनमेंट। नमस्ते, हैप्पी कोजागिरी लक्ष्मी पूजा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करें, आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहे। सो आज मैं छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। हैप्पी कोजागिरी लक्ष्मी पूजा टू ऑल ऑफ यू। और अभी माँ के लिए प्रसाद बन रहा है। सबसे पहले मैंने बनाया है तिल गुड़ और घी का छोटा छोटा लड्डू। यह देख सकते हैं ये बन रहा है और ऑलरेडी बन चुका है। मैं इसको राउंड राउंड करके रख रही हूँ। और इसके बाद यहाँ बन रहा है मेरा, यहाँ पे मैंने बेसन और आटा लिया है। इसको मैंने अच्छे से भूनना है खाली कढ़ाई में। उसके बाद इसका बनेगा लड्डू। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट जाएगा और ये बन रहा है। इसके बाद प्रसाद बनेगा पूड़ी, चने का दाल, बैगन फ्राई और गोभी फ्राई, आलू फ्राई। तो ये आज प्रसाद बन रहा है माँ का। और क्या ऐड हो सकता है, फ्रूट्स भी है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये माँ का प्रसाद आज बन रहा है। तो अभी मैं आपसे जल्दी से ये कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो घी में मैं ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा सा गोंद फ्राई करूँगी, इलायची डालूँगी और इसमें मिक्स करके घी के साथ फ्राई करके ये ऐड करूँगी शुगर पाउडर और बन जाएगा लड्डू। लड्डू पटपट हो रहा है, इसके थोड़ा पीछे रहने का नहीं तो ना हमारे ऊपर आ जाता है ये पटपट। मगज है ना, मगज पटपट पटपट हो रहा है। वो बाप रे, चटक चटक हो रहा है, चटक चटक। ओ एक नंबर। हैप्पी कोजागिरी लक्ष्मी पूजा टू ऑल माय फ्रेंड्स। और ये आज मैंने बनाया है आटा और बेसन का लड्डू ड्राई फ्रूट मिला के। और ये जो है मैं लड्डू जो है राउंड राउंड करके रख रही हूँ। प्योर घी का लड्डू बनाया मैंने और इसमें मैंने ऐड किया है बादाम, मगज और एक चीज़ राउंड राउंड कुछ है बादाम जैसे ही है, इलायची, शुगर पाउडर, घी और आटा और बेसन। और इसमें मैंने ऐड किया है गोंद। गोंद मैंने घी में फ्राई कर लिया था, ड्राई फ्रूट घी में फ्राई कर लिया था। और आटा बेसन को अच्छे से फ्राई करना पड़ता है, इसको ब्राउन कर लिया था फ्राई करके। फिर मैंने घी गरम करके मिक्स करके ड्राई फ्रूट के साथ शुगर पाउडर के साथ ये बन गया है, देखिए जी लड्डू। सो ये कोजागिरी पूजा के लिए बन रहा है। सो अभी बन रहा है, ये है परवल फ्राई, बैगन फ्राई और ये है आलू गोभी की सब्जी। साथ में बन रहा है चने का दाल और आलू फ्राई। एक घट को जो है ना मैं स्थापित करने जा रही हूँ और उसमें मैं टीका लगाने जा रही हूँ। टीका कर दिया है और इसके बाद मैं ये घट में बिठाने जा रही हूँ। और मैं घट में पहले मैंने एक पॉइंट और एक सुपारी मैंने डाल दिया ऑलरेडी। और उसके बाद मैं घट को स्थापित करने के साथ साथ मैं नया वस्त्र बोलते हैं नया, वो भी काम रही है।
सबसे पहले मैं आपको हाथ पहनाऊंगी। और नया वस्त्र दुपट्टा चढ़ाने से पहले नया वस्त्र अर्पित करूँगी। माँ का दुपट्टा मैं माँ को ओढ़ाऊंगी। मैं इस पर तिलक करूंगी, सबसे पहले इसको साफ कर लूंगी। मैं ये चांदी का रुपये है और इसको हम आसन में पूजा करते हैं, हमेशा सब लोग करते हैं, दिवाली में ज़्यादा करते हैं लोग, हम लक्ष्मी पूजा के दिन में भी पूजा करते हैं। साथ थोड़ा हल्दी से भी करूँगी। स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम जय मां लक्ष्मी, 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 जय मां लक्ष्मी। जय मा लक्ष्मी, प्रसाद ग्रहण करो मा। जय मा, प्रसाद लीजिए मा, आशीर्वाद दे दो मा। जय मा लक्ष्मी। हैप्पी कोजागरी लक्ष्मी पूजा टू ऑल माय फ्रेंड्स। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी।